अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हेलो व्यूवर्स, आज के हमारी रेसिपी है बुजवार का सालन। सबसे पहले हम दो मीडियम साइज के टमाटर को कट कर लेंगे। 100 ग्राम हम यहाँ पर दही लेंगे। 3 से 4 अदद हम आलू लेंगे। 300 ग्राम हम यहाँ पर चिकन लेंगे। हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा तेज़पत्ता और काला तिल। 50 ग्राम हमने यहाँ पर तिल ली है। गरम मसाले में हम लेंगे 1/2 चम्मच साबुत धनिया, ज़ीरा 1/2 चम्मच, 4 लौंग, थोड़ा दालचीनी का पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 4 छोटी इलायची। 50 ग्राम हमने यहाँ पर मूंगफली के बीन्स लिए हैं। 50 ग्राम हमने यहाँ पर खोपरा लिया। तिल, फली और खोपरा तीनों चीज़ों को मिलाकर हम 150 ग्राम लेंगे। यहाँ पर हम मीडियम साइज़ की 1 कटी हुई प्याज लेंगे। 1 चम्मच हम नमक लेंगे। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। सबसे पहले हम थोड़े से तेल में मसालों को रोस्ट कर लेंगे। फली और खोपरे को पहले रोस्ट करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, हमने इसमें फली ऐड कर ली है। खोपरा भी हम इसमें ऐड करेंगे। तिल पहले हमने इसलिए ऐड नहीं की है कि वो जल्दी से रोस्ट होती है। ऑयल हमने 2 टीस्पून लिया है। सिर्फ हम 2 चम्मच ऑयल लेंगे और इसमें हम ये खोपरा फली को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। फली और खोपरे का कुछ इस तरह से कलर होना चाहिए, तब हम इसमें तिल ऐड करेंगे। तिल ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तिल अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे तेज़पत्ता और काला फूल। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे गरम मसाले में हमने जितने भी चीज़ें लिए थे वो सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये सारे मसाले हम ऐड करने के बाद इसे हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। जैसे ही ये रोस्ट हो जाएगा, इसकी खुशबू से आपका पूरा किचन महकने लगेगा। मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसे ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे। 1 पतीले में हम तेल ऐड करेंगे। तेल आपके हिसाब से आप ऐड कीजिए। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम ऑनियन इसमें ऐड करेंगे। ऑनियन को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद हम लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक ऐड करने के बाद चिकन भी इसमें ऐड कर लेंगे। आलू भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद स्लो फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। ढक्कन ढककर अब हम इसे रख देंगे। तब तक हम मसाले पीस लेंगे। मसालों को हमने जार में ऐड कर लिया है और इसे हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। थोड़ा सा बारीक पाउडर होने पर हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद इसमें हम टमाटर भी ऐड कर लेंगे और इसे हम बारीक पीस लेंगे। चिकन और आलू गल चुके हैं, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों को भी हमने बारीक पीस लिया है। मसाला हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे हमें तेल आने तक भूनना है। यहाँ पर ये अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे।
10 मिनट हम इसे स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। सालन अच्छे से पक चुका है, इसमें तरी भी आ चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद हम इसे डिश में सर्व करेंगे। भोजवाल की करी बनकर तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।